देखिए ये मैंने कमल आसन तैयार किया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसको तैयार करना उतना ही आसान है। और मैंने इसको चार्ट के पेपर से तैयार किया है, इधर देखिए। और फिर मैंने इसको कलर किया है ग्रीन कलर से और गुलाबी कलर से, रेड कलर से मैंने इसको कलर किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने बैठने के लिए आसन तैयार किया है उनके अंदर, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी अपने गणेश जी के लिए तैयार कर सकते हैं, कान्हा जी के लिए तैयार कर सकते हैं, लक्ष्मी माता के लिए तैयार कर सकते हैं, आप चाहिए चाहे जिस के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंच की लंबाई रखी है और मैंने 10 इंच की चौड़ाई रखी है इसकी। और ये हम पेपर ले लेंगे और मैं सिंपल से इसको ऐसे कर दे रही हूँ और ऐसे करके, और फिर सेम टू सेम हम इधर भी ऐसे करेंगे और ऐसे, और फिर हम बीच से ऐसे चेक करेंगे इसको, और फिर इसको हम यहाँ से हाफ से इसको मोड़ देंगे। और इधर से भी हम सेम वैसा ही करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे। और देखिए इसको हम ऐसे ऐसे पलट लेंगे और ऐसे ही हमको 6 पीसे बनानी है। ये देखिए हमने 6 पीसेस की तैयार कर ली हैं, तो ऐसे ही हम 6 पीसे बना लेंगे। इसमें हमारा फ्लावर बन जाएगा और सेम इतने ही नाप का हम दूसरा लेंगे जिसमें हमने ये ऐसे वैसे ही मोड़ना है जैसे कि हमें पहली बार पीसे मोड़नी है। बस हमें चेंज ऐसे इसको करेंगे और इसको ऐसे करेंगे और ये हम इसी की तरफ ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा इसको ऐसे मोड़ लेंगे। और इस तरह से हमें 4 पीसे तैयार करनी है। ये देखिए हमने इसको 4 पीसे तैयार कर ली। यहाँ पे निशान लगा दे रही हूँ, ये जो हमारे हरे पत्ते रखेंगे हम, तो उसके लिए हमने इसमें हरा लगा दिया है कि आपको आसानी रहे कि आप एक ही कलर में हैं और हरे लाल में कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसमें। और सेम ऐसे ही हमने गुलाबी में भी यही करेंगे, मतलब इस फ्लावर के लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। मैंने जोड़े बना के तैयार कर दिए हैं, एक ये ग्रीन है और 2 रेड, एक ग्रीन 2 रेड, एक ग्रीन 2 रेड, एक ग्रीन 2 रेड, ये मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इसमें में से हम एक ले लेंगे, एक फ्लावर हम ऐसे करके और सिंपल से हम ऐसे कर लेंगे इसको, ऐसे इसमें ऐसे डाल लेंगे, ऐसे है और ऐसे कर लेंगे। ये हो गया, ये दो गुलाबी गुलाबी हैं सेम, ये वाला देखिए इधर, और ये वाला हम इधर से लगा देंगे। इसका मुंह इसकी इधर तरफ है और इधर के इनका मुंह इधर की तरफ है, ये आप लोग याद रखिएगा। सेम हम ऐसे ही अपने सारे को कर लेंगे अच्छे से, ऐसे हम सारे के जोड़े बना लेंगे, तो आप भी जोड़े बनाएंगे। हमने ऐसे ही सब कर लिए हैं अच्छे से ऐसे, और अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर रबड़ लगा देंगे। देखिए हम ऐसे सभी सेट कर लेंगे, आप सेट कर लीजिए इसे, और यहाँ पर हम अपनी रबड़ को अच्छे से लगा देंगे। रबड़ हम 2 बार फोल्ड करेंगे और हम इसको ऐसे कर लेंगे, इधर से इसको भी ऐसे कर लेंगे और इधर की इसको भी हम अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसकी खोलने की प्रोसेसिंग चालू करेंगे और इसको हम ऐसे करके हम अपनी कलियां खोलेंगे। तो मैं फर्स्ट कली खोल रही हूँ, तो इसका हम ऐसे उठाएंगे और ऐसे हम अपनी फर्स्ट कली खोल देंगे, ऐसे, और ऐसे ही हम सारी कलियां खोलते जाएंगे। ऐसे ही हम मैं अपनी ऊपर की सारी कलियां अच्छे से खोल लूँगी। ये पहला स्टेप है कलियां खोलने का। देखिए ऐसे हमारी पूरी पहली कली खुल चुकी है। अब मैं अपनी खोलूँगी दूसरी कली, और ये देखिए हमारी दूसरी कली, और हम अपनी दूसरी कली भी जल्दी जल्दी से खोल देंगे।
देखिए आपने एक गली खोलते हुए देखा, और ऐसे ही हम फटाफट से अपनी दूसरी गली भी खोल देंगे। ये देखिए फटाफट से बहुत जल्दी हो जाता है, बस समझने की देर है, आप समझेंगे और तुरंत बनाइए गणेश लक्ष्मी जी का आसन अपने घर पे। तो ये हम अपनी फटाफट कलियाँ खोल लेते हैं। देखिए हमारी सारी कलियाँ खुल चुकी हैं, अब हम इसको भी ऐसे खोल देंगे पत्तों की तरह। ये देखिए हम पीछे से आपको दिखा रहे हैं, और हम इसको पत्तों की तरह अच्छे से खोल देंगे। चाहे ऐसे कर लीजिए आप, जैसे आपको आसान है। देखिए हमारे कमलासन बनकर रेडी हो गया है, और पूरा बनने के बाद इसका लुक कुछ इस प्रकार है। और अब मैं इसकी ये पत्तियां हैं, मैं इसको ग्रीन करूंगी और इसको गुलाबी करूंगी। तो मैं इसको ग्रीन करने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा कलर रेडी हो चुका है, मैंने ये कलर फैब्रिक कलर का इस्तेमाल किया है इसमें, और अब मैं अपनी पत्तियों को कलर करूंगी। तो ऐसे ऐसे मैं अपनी सारी पत्तियों को कलर कर लूंगी, मैं कलर करने के बाद दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये पूरा ग्रीन कलर हो चुका है। देखिए अब मैं इसमें गुलाबी कलर करके आपको दिखा रही हूँ, और मैं इस फैब्रिक कलर का इस्तेमाल इसमें भी करूंगी और इसको गुलाबी करूंगी। तो मैं